जी जनाब, SEO की सीरीज़ में खुश आमदीद। आज हम कीवर्ड क्लस्टरिंग के टॉपिक पर सेकंड वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम कीवर्ड क्लस्टरिंग के टूल्स के बारे में बताएंगे। पिछली वीडियोस में हमने कीवर्ड क्लस्टरिंग के बारे में देखा कि बेसिकली कीवर्ड क्लस्टरिंग क्या होती है, ठीक है, उससे कितनी ज़्यादा वेबसाइट को बेनिफिट्स होता है। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको भी देख सकते हैं। उसको देखने के बाद में जब आप ये वीडियो देखेंगे या आप डायरेक्टली ये वीडियो देखेंगे तो कीवर्ड क्लस्टरिंग कैसे करते हैं तो इस वीडियो में आपको वो पता चलेगा। कीवर्ड क्लस्टरिंग क्या होती है वो पिछली वीडियो में आप उसको ज़रूर देखिएगा। अब हम इसमें दो कीवर्ड क्लस्टरिंग के टूल्स को इस्तेमाल करेंगे, एक होगा फ्री का टूल्स और एक होगा पेड टूल्स। सो फ्री का टूल्स उन लोगों के लिए जो कोई भी पेड टूल्स को परचेज़ नहीं कर सकते। आप कीवर्ड क्लस्टरिंग आपके लिए, ये हमने मेहनत की फ्री के टूल्स, इसमें हमने AI को भी इस्तेमाल किया और फ्री का एक टूल इस्तेमाल किया है। इसके बाद में हमने एक पेड टूल इस्तेमाल किया जिससे हम डायरेक्टली पेड के टूल्स में, आपका ये फ़ायदा होता है कि आपको किसी भी जो है ज़्यादातर मैनुअल सर्च नहीं करना पड़ती, वो तमाम चीज़ें आपको बना के देते हैं। और फ्री के टूल्स में थोड़ी सी आपको हेल्प मतलब किसी और टूल से मिला के लेना पड़ती है, जिससे आप पैसे तो बचा लेते हैं लेकिन थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा आपको लगाना पड़ती है, मेहनत ज़्यादा कोशिश करना पड़ती है कीवर्ड निकालने के लिए, रिसर्च करने के लिए। सो हमने दोनों तरीकों को ही आपके लिए बनाया और इसको कीवर्ड क्लस्टरिंग की है। सो हम स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे जो पहला तरीका है, यहाँ पर हमने सोलर पैनल अपनी वेबसाइट्स के लिए यहाँ पर कीवर्ड क्लस्टरिंग की है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं सिलो स्ट्रक्चर हमने बाकायदा इसके लिए बनाया है। इसी तरीके से यहाँ पर कीवर्ड क्लस्टरिंग की है, अभी आपको समझाते हैं कैसे। और सेकंड जो हमने फ्री का मेथड लगा के अपनी क्लाइंट्स के लिए यह कीवर्ड निकाले थे बेसिकली AI पे, तो आपको वो भी दिखाएंगे ये आप कैसे इससे निकाल सकते हैं। इसके यहाँ पर देखें, इस तरीके से हमने सिलो स्ट्रक्चर मुकम्मल बनाया है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये आपकी वेबसाइट के लिए, टॉपिकल अथॉरिटी बनाने के लिए हाई ऑर्गेनिक ट्रैफिक आप इसे गेट कर सकते हैं। सो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझेंगे, बिलीव मी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपको मिलने वाली है। सो सबसे पहले हम फ्री के टूल्स को ही जांच लेते हैं, कौन सा ऐसा टूल्स है जान लेते हैं। सो सबसे पहले तो ChatGPT तो ऐसा हो ही नहीं सकता, हम ChatGPT को इस्तेमाल ना करें। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो ChatGPT AI PRM की एक्सटेंशन को इस्तेमाल किया है और जिसके ज़रिए हम इसमें कीवर्ड स्ट्रेटजी यहाँ पर जो है प्रॉम्प्ट है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सर्च भी करेंगे तो फिर भी आ जाएगा, जैसे यहाँ पे मैं अभी सर्च करता हूँ कीवर्ड, यहाँ पर देखें कीवर्ड स्ट्रेटजी यहाँ पर आपको मिल गई। सो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी आपका सीड कीवर्ड होगा, जैसे हमारा पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था सोलर इंस्टॉलेशन था। सो यहाँ पर सीड कीवर्ड लिखेंगे और सीड कीवर्ड लिखने के बाद में आपके पास कुछ इस तरह से क्लस्टर बन के आ जाएगा। जैसे यहाँ पर इसमें हमने सीड कीवर्ड AI जॉब्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब हमने सर्च किया था, और यहाँ पर देखने AI जॉब्स मार्केट इसने बना दिया। सो इसमें यहाँ पर देखें इस तरीके से, ये फ्री का टूल्स है। सो हम इस टॉप AI जॉब्स को यहाँ से कॉपी करेंगे। इस कीवर्ड को कैसे हम बनाते हैं फ्री के टूल्स में, सबसे पहले तो हमने कीवर्ड स्ट्रेटजी को यूज़ किया और हमारे पास कुछ इस तरीके से हमने सीड कीवर्ड ऐड करने के बाद में यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको इनपुट दे दी इसने, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब ये आपको आपके पास ये टेबल इस तरीके से आ जाएगा, जो आप ChatGPT में AI PRM की एक्सटेंशन को यूज़ करके बनाएंगे, तो इसके बाद में आपने कीवर्ड्स क्लाउड को इस्तेमाल करना है। यहाँ पर अभी आपको दिखाएं तो ये बकायदा जो है कीवर्ड्स क्लाउड्स को हमने यूज़ किया, जैसे हमने यहाँ से कॉपी किया टॉप AI जॉब्स को, जैसे ही हमने यहाँ पे सर्च किया तो हमें यहाँ पे डिफरेंट जो रिज़ल्ट देखने को मिले। जैसे ही हमने यहाँ पे टॉप AI जॉब्स को यहाँ पे सर्च किया तो हमें यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे इसने रिज़ल्ट बताया, जहाँ पे देखें इस तरीके से ये भी कोई कीवर्ड्स है, जैसे हाइएस्ट पेइंग जॉब्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपको दे दिया टॉप AI जॉब्स आपने सर्च किया था। सो हमने इसको पिक किया, पिक करने के बाद में हमें अच्छा लगा, हमने आप यहाँ पर सारे चेक कीजिएगा जो आपको लगे कि हाई वॉल्यूम है और इस पर ऑलरेडी कम डाटा लिखा गया है, जो आपकी सोच समझ के मुताबिक यहाँ पे उसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम बता रहा हो, ठीक है। आप यहाँ पे जाके ऑल इन टाइटल लगा के भी चेक कर सकते हैं, जिस पर कम डाटा लिखा हो तो आप उसको यहाँ पे कॉपी कर लें, ठीक है। यहाँ पर उसे इस तरीके से कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद में आप अपनी शीट के अंदर ले आएँ, जैसे हमने यहाँ पे पेस्ट किया। यहाँ पर आप ये देखें, ये आपको शीट भी हम शेयर कर देंगे अगर आप लाइक वगैरह इस वीडियो को करेंगे तो, हम ये आपके साथ शीट भी ज़रूर शेयर करेंगे। सो हमने यहाँ पे अपना सीड कीवर्ड लिखा, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब, ये हमने लिखा जिस पे वॉल्यूम इतना है। अगर हम डायरेक्टली इस पे
जो है आर्टिकल लिखते हैं तो कभी भी हमारा ये आर्टिकल रैंक नहीं करेगा उतना अच्छे तरीके से। लेकिन अगर हम इसमें सीड कीवर्ड के बाद में इसके जितने भी जो हेल्पफुल कीवर्ड्स हैं, मतलब जिसके जैसे ये हम लिख रहे हैं हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा ये जो कीवर्ड है शॉर्ट टेल कीवर्ड है ये बाकायदा रैंक करेगा, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया। सो मैंने जैसे ही यहाँ से आप देखें इससे मैंने ये वाला कॉपी किया जिसका सर्चेज 110 थी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। और कीवर्ड डिफ़िकल्टी मैंने सैमब्रिज से मलूम किया है, वैसे यहाँ पे आप फ्री में भी ऑल इन टाइटल्स को भी KGR को भी साथ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में टॉप AI जॉब्स का ऐसे ही यहाँ पे निकाला। सो यहाँ पे देख लें बाय टॉप्स मैंने इसको डिवाइड कर दिया, बाय टॉप मतलब बाय बेस्ट बाय टॉप। यहाँ पे देखें हाईएस्ट पेइंग जॉब इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टॉप AI जॉब्स, यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया बाय टॉप। इसी तरीके से अब हम इसे डिवाइड करेंगे बाय रिक्वायरमेंट, वो कैसे, यहाँ पर आप देख लें जॉब रिक्वायरमेंट, तो हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया बाय रिक्वायरमेंट। अब इसमें दो कीवर्ड हमें मिले, एक कीवर्ड है कैसे, यहाँ पर हमने इसी तरीके से जॉब AI जॉब्स रिक्वायरमेंट, यहाँ पर हमने स्किल नीडेड फॉर AI जॉब्स हमने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में हम दोबारा इसमें सर्च करते हैं, जैसे ही यहाँ पर देखें हमने इसे सर्च किया हुआ, सर्च करने के बाद में जैसे आप आएंगे इस तरीके से आपको डिफरेंट यहाँ पे सर्च रिज़ल्ट मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं हमने कीवर्ड को यूज़ किया हुआ है स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब जिसका 30 वॉल्यूम है। सो आप यहाँ पर इसी तरीके से इसको कॉपी कर सकते हैं स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब्स। सो किधर है, यहाँ पर देख लें ये वाला हमें अच्छा लगा, यहाँ पे देखें इसकी ट्रेंड भी हाई हो रहा है और इस पर CPC भी अच्छा है। सो हमने इसको कॉपी किया और अपने इसमें शामिल किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें इसमें सेकंड कीवर्ड भी एक मशीन लर्निंग इंजीनियर स्किल्स रिक्वायर्ड कौन कौन सी होती हैं, हमें दो कीवर्ड इधर से मिल गए। इसी तरीके से बाय कैटेगरीज हमने भी सर्च किया सेपरेट तरीके से, वो कैसे बाय कैटेगरीज हमें ये कहाँ से मिल रही हैं कैटेगरीज हमें मिल रही हैं, जैसे ये देखें जॉब्स कैटेगरी जो आपको AI ने बना के दी है ना, बेसिकली आपने उसको इस्तेमाल करना है बाय जॉब कैटेगरी बाय सैलरी, यहाँ पर देखें तो इसी तरीके से बाय सैलरी भी हमने इसको डिवाइड किया और कीवर्ड निकाले। आप देखें कितने कीवर्ड एक लॉन्ग टेल शॉर्ट टेल कीवर्ड जो एक हाई कंपेटिटिव कीवर्ड है उसके अंदर कितने कीवर्ड निकल रहे हैं। जब इस पे तमाम पे आप आर्टिकल लिखेंगे तो डेफिनेटली यार आपका कीवर्ड टॉप पे रैंक करेगा, और बहुत ही ज़्यादा इसका फ़ायदा आपके इंटरनल लिंकिंग में भी होगा। जब आप इसका मेन आर्टिकल ये बनाएंगे पिलर आर्टिकल जिसे कहते हैं, और बाकी यहाँ पर इसके जो सब आर्टिकल ऐड करेंगे और इसको वापस से लिंक करेंगे और इसको आप अपने होम पेज से लिंक करेंगे या आप कोई इसको स्पेसिफिक ऊपर मेन्यूज़ में शामिल करते हैं और उस पर आप एक्सटर्नल बैकलिंक्स बनाते हैं, तो डेफ़िनेटली ये तो आपका रैंक करेगा ही। उसके साथ साथ आपके ये तमाम भी इसमें में भी लिंक यूज़ ट्रांसफ़र होगा और आप इसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितना फ़ायदा हो सकता है। अब आते हैं अपने सेकंड पेड टूल्स की जानब जो हमने अपनी वेबसाइट फॉर द सोलर की के लिए लगाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरीके से ये सोलर इंस्टॉलेशन का मेन कीवर्ड था, उसके अंदर हमने ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम शेड सोलर पैनल किट सोलर पैनल ट्रेस यहाँ पर ये देखें इस तरीके से हमने डिवाइड कर रखे हैं। वैसे सोलर इंस्टॉलेशन आप देख सकते हैं उसी तरीके से यहाँ पर बाय सोलर, यहाँ पे ऑफ ग्रिड सोलर पैनल से बाय शेड सोलर पैनल किट बाय सोलर पैनल ट्रे, ये कैसे हमने यूज़ किया, ये हमने बेसिकली यूज़ किया है इसमें सैमब्रिज का जो टूल्स है जिसमें कीवर्ड मैनेजर है। कीवर्ड मैनेजर को कैसे आप यूज़ करेंगे, सो मैं यहाँ पर अभी सैमब्रिज के टूल्स में कीवर्ड मैनेजर थोड़ा सा आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। आपने कीवर्ड मैनेजर्स पे जाना है, ठीक है, यहाँ पर देखें तो हमने ये नीचे लिस्ट क्रिएट कर रखी है। सो आपको इसको ओपन करके यहाँ से ही हमने उसका डाटा यहाँ पर द सोलर की के लिए ये तमाम लिया हुआ है डाटा, ठीक है, वो आपको मैं अभी बताता हूँ। यहाँ पर क्रिएट लिस्ट पर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर आपने अपना सीड कीवर्ड ऐड करना है, जैसे मेरा सीड कीवर्ड है सोलर इंस्टॉलेशन, यहाँ पर आप ये भी ऐड कर दें 3-4, यहाँ पर उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई है आप इसको रीड कर सकते हैं हो टू इंस्टॉल सोलर, ऐसे मतलब आप अच्छे से लिखेंगे तो उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा आप किसके बारे में पूछ रहे हैं। और यहाँ पर वो आपको एक एग्जैक्ट उसके रिलेटेड जितने भी क्लस्टर कीवर्ड होंगे, यहाँ पर डाटाबेस सेलेक्ट करें यूनाइटेड स्टेट्स जहाँ पर भी आप वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद में
आप यहाँ पर क्रिएट लिस्ट, ये ऑप्शनल है, आप इसमें ना भी इंटर करें तो खैर है, लेकिन यहाँ पे क्रिएट लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से ये तमाम डाटा दे देगा जैसे हमारे पास ये है। यहाँ पर हमने सबसे पहले ऑफ ग्रिड बैटरी सोलर सिस्टम के तौर पे इसे डिवाइड किया, आप देख सकते हैं ऑफ ग्रिड बैटरी सोलर सिस्टम ये देख लें, ठीक है, इधर आप देख सकते हैं इस पर कितना था 4600 और कीवर्ड डिफ़िकल्टी बहुत कम है, और उसके अंदर जितने भी सब थे, मतलब थे तो बहुत सारे, लेकिन हमने निकाले वो जो हमारे हमें जिस पे लो कीवर्ड डिफ़िकल्टी थी और वॉल्यूम काफ़ी अच्छा था। वो कैसे, मैं अभी आपको वो भी बताता हूँ। यहाँ पर हम आए इसके अंदर, जैसे इसको आप ओपन करेंगे, ठीक है, इस पर क्लिक करना है आपने जी, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम्स 1.9 के है ऑफ ग्रिड। यहाँ पर जो भी आप देखें, जो ज़्यादातर कोशिश करें कमर्शियल कीवर्ड कम यूज़ करें, पहले आप सबसे ऊपर जो रखें उसमें इंफॉर्मेशनल कीवर्ड हो। तो यहाँ पर आप इंटेंट को ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा, इंटेंट आपका इंफॉर्मेशनल होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इंफॉर्मेशनल, क्योंकि कमर्शियल लिखेंगे तो ऑलरेडी ई कॉमर्स की वेबसाइट या दूसरी एफिलिएट की वेबसाइट्स वो रैंक कर रही होंगी। सो आप उस पर अगर अपना आर्टिकल बनाते हैं तो जाहिर सी बात है जो एफिलिएट की या ई कॉमर्स की होती है उसमें थोड़ा सा हाईली कम्पेटिटिव लोग आपको मिलेंगे, जिसकी वजह से आप जल्दी रैंक नहीं कर पाएंगे। सो कोशिश करें कि आप यहाँ पर इंफॉर्मेशनल कीवर्ड हो और इस तरीके से कम उस पर लोगों ने लिखा हो, जैसे ऑफ ग्रिड सोलर पैनल्स ये इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, आप इसको उठा लें, ऐसे बीच में से डिफरेंट कीवर्ड उठा लें जो डिफरेंट नेचर्स रखते हों, मतलब आप एक आर्टिकल भी उसका बना सकते हैं या डिफरेंट आर्टिकल। जैसे यहाँ पर देखें तो ऑफ ग्रिड सोलर किट है, ये ऑफ ग्रिड बैटरी बैंक है, यहाँ पे कंप्लीट ग्रिड सोलर सिस्टम विद बैटरीज है, ये पैकेजेस होंगे, ठीक है, हम इसका सेपरेट भी बना सकते हैं और बकायदा इसका एक जो सबसे बड़ा आर्टिकल तो सोलर इंस्टॉलेशन बनेगा, इसके अंदर ये आर्टिकल एक बन जाएगा, इसी तरीके से ये आर्टिकल बन जाएगा, हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं। ये आपको हमारी वेबसाइट thesolarkey.com पर तमाम चीज़ें मिलेंगी बकायदा, इसलिए तो यार ये हमने पूरी सीरीज़ आपकी आंखों के सामने स्टार्ट की है। सो आप अभी भी इस वीडियो को, हमारी इस प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें, लोगों तक शेयर करें, ताकि हम जितनी भी अपनी रियल टाइम प्रैक्टिसेस करते हैं वो तमाम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सो आपके साथ ये भी बकायदा हम शेयर कर देंगे, जैसे ये देखें बाय, यहाँ पर हमने उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर लिस्ट बनाई है उसी तरीके से यहाँ पर आपको बना के दिखा रहे हैं कि कैसे आप सीलो स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए यहाँ पर बकायदा जब इंटरनल लिंकिंग करेंगे वो भी आपको सारी बताएंगे किस तरीके से हम इंटरनल लिंकिंग करें। सो ये जो तरीका है ये थोड़ा सा आसान है, आप इसके बाद में यहाँ पर जो है जैसे आप इसको ऐसे क्लोज़ करें, यहाँ पे शेड सोलर पैनल किट्स हैं, सो आप यहाँ पर वो भी देख सकते हैं, ये हमने इस्तेमाल की हुई, इसमें तीन कीवर्ड हमें अच्छे लगे वो हमने निकाले, जो जिस पे जो यहाँ पर अभी मैं दिखाता हूँ जिस पे कम जो कंपेटिटिव थे लोग थे यहाँ पर, और जी इस पे ओपन करते हैं, जैसे यहाँ पर देखें इस तरीके से हमें यहाँ से इंफॉर्मेशनल कीवर्ड को उठाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मॉल सोलर पैनल फॉर शेड्स इंफॉर्मेशनल था, 90 यहाँ पे उसका जो था वॉल्यूम था, तो कोई मसला नहीं है, वॉल्यूम थोड़ा सा कम भी हो, ये देखें तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम भी हो, लेकिन कीवर्ड डिफ़िकल्टी और इंफॉर्मेशनल कीवर्ड ज़्यादा आपके लिए बेटर होता है जब आप किसी ब्लॉग को लेके चलते हैं या कोई एफिलिएट वेबसाइट को। तो अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो फिर आप कमर्शियल कीवर्ड को भी ज़्यादा टारगेट कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो इंफॉर्मेशनल, इस तरीके से आप इसको सेपरेट बनाते जाएं, जैसे हमने यहाँ पे इसको सिलो स्ट्रक्चर के तौर पे भी डिवाइड कर रहे हैं और इधर भी आप इसको देख रहे हैं, ऐसे हम सिंपल सोलर इंस्टॉलेशन के अंदर इस पूरा एक आर्टिकल भी बना सकते हैं और सिंपल इसे अलग-अलग सेपरेट तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आप सिर्फ एक कीवर्ड के अंदर कितनी इन डेप्थ कवर करेंगे, और डेफिनेटली जब आप इस तमाम शीट को या इस तमाम स्ट्रक्चर को फॉलो करके अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो यार टॉपिकल अथॉरिटी आपकी इंडस्ट्री में बनेगी
और इस तरीके से आपको जो गूगल है वो भी जानेगा कि आप बेसिकली सोलर पैनल या सोलर सिस्टम पे अपनी वेबसाइट बना के रैंक कर रहे हैं। कभी भी जो नेचर्स होगी, जो टॉपिकल अथॉरिटी आपके गूगल बिल्ड करेगा, वो इसी के रिलेटेड ही करेगा। सो आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये हमारी काविश, ये हमारी कोशिश पसंद आई होगी जो प्रैक्टिकली आपके साथ करके दिखाई। यहाँ पर अगर हम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड निकाल के दिखाता हूँ तो काफ़ी हमें घंटा भी कम पड़ जाना था, तकरीबन 2-3 घंटे मेरा इस पर स्पेशल टाइम लगा है। तो इस टाइम के लिए आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है, और ये मेरी वीडियो कैसी लगी तो आपने इसको कमेंट्स करके ये लाजम तौर पर आपने ये बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आर्टिकल रिटर्न्स वगैरह या इस तरीके से जो भी स्टेप हमारा नेक्स्ट आएगा, सो आप तब तक हमारा वेट कीजिएगा और इस पूरे स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिएगा, बहुत फ़ायदा होगा। बिलीव मी, आप मेरा यकीन करें तो ज़्यादा बेस्ट है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मुझे ज़्यादा दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।